होगा। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा वो कौन सा स्पेशल वीडियो है। सब्सक्राइब करें शिखास किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। फेस्टिवल का सीजन शुरू होने वाला है दोस्तों, आज मैं आपके लिए फेस्टिवल के लायक बहुत ही अच्छी मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, बेसन की चक्की। बेसन की चक्की आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बता रही हूँ, जिसमें कि मैं चाशनी बनाना बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ज़्यादातर बिगनर्स लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि चाशनी बनाने में कुछ ना कुछ चाशनी में गड़बड़ी हो जाती है और हमारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बिना चाशनी के आज मैं आपको बेसन की चक्की बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मेजरमेंट कप से 1 कप मैंने बेसन लिया है। कैसा भी बेसन ले सकते हैं आप, मोटा बेसन, बारीक बेसन, जो भी हो आपके पास आप ले सकते हैं। मेरे पास बारीक बेसन है, चिकना पिसा हुआ है, इसलिए मैं इसे थोड़ा मोटा करने के लिए रवे का यूज़ करूँगी। 2 चम्मच मैं इसमें रवे का यूज़ करूँगी ताकि मेरा बेसन थोड़ा सा दरदरा हो जाए। इसके अलावा मैंने लिया है 1/2 कप शक्कर ली है मैंने, 1 कप बेसन, 1/2 कप पिसी हुई चीनी ली है मैंने, 1/4 कप हम घी ले रहे हैं। घी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1/4 कप। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली है, कुछ कटे हुए बादाम लिया है, हरी इलायची ली है खुशबू के लिए, ये ऑप्शनल है। यदि इलायची की खुशबू बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती है तो ना डालें। पिस्ते की कतरन ली है और इस चक्की को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए, देखा होगा आपने कई बार लोग मावा डालते हैं, खोआ डालते हैं बेसन की चक्की में, तो उससे हमारी बेसन की चक्की बहुत ही सॉफ्ट रहती है। परंतु यदि आपके पास खोआ नहीं है और हम मार्केट नहीं जा सकते हैं तो हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का। यदि हम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं तो बिल्कुल खोए के जैसे टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैंने गैस चालू किया है, एक कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ, मेजरमेंट कप का ही 1 कप है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे 2 मिनट तक के हल्का सा सेकें, फिर हम इसमें ये जो हमने 1/4 कप घी लिया है ये हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। आप पूरा 1/4 कप घी एक साथ ना डालें, थोड़ा सा डालें फिर रोक दें। ऐसा करने से हमें घी कम लगता है और हमारे बेसन की सिकाई भी बहुत अच्छी होती है। अब हमें गैस के फ्लेम को स्लो करना है, धीमी आँच पर हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के सेकना है घी डालते हुए। इसे सिकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं पूरा घी इसमें डाल रही हूँ, 1/4 कप हमने इसमें पूरा घी का यूज़ कर लिया है और इसे लगातार चलाते रहें। थोड़ी हमें मेहनत है कि सेकना पड़ता है, इसे है चलाते हुए सेके, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी चिपक जाता है। बेसन हमारा सिक रहा है, अब इसी में हम 2 टेबल स्पून रवा डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसन बहुत बारीक वाला है, इसे मोटा करने मैंने रवा ऐड किया है। ये देखिए बेसन सिकने आया है, हमने 1/4 कप घी का यूज़ किया है परंतु हमने इसमें रवा भी ऐड किया है, इसलिए मैं 1 बड़े चम्मच घी और डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून हमने घी और डाला है और अभी इसे हमें सेकना है, थोड़ा थोड़ा सा और करें, खुशबू आने लगी है बहुत अच्छी। परंतु 1-2 मिनट इसे और सेकें धीमी आँच में, फिर हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों बेसन बहुत अच्छा सिक गया है, बस हमें इतना बेसन सेकना है। अब इसमें हम 1/2 कप शक्कर डालेंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून शक्कर और भी ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हमें स्लो पे ही करना है और इसे लगातार मिक्स करें। ये देखें हमें इतनी देर तक के सेकना है, इसे सेकने में पूरे 15 मिनट लगे हैं, धीमी आंच में सेकते सेकते पूरे 15 मिनट लगे हैं। अब इसमें सबसे आखिरी में हमें डालना है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमें पहले से नहीं डालना है, सबसे आखिरी में मैंने मिल्क पाउडर डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच में इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से हमारी जो चक्की है वो रवेदार बनेगी। इस तरह से स्प्रिंकल करके डालें ताकि सब में लगे। सिर्फ 1 चम्मच मैंने दूध डाला है, खूब अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए सिर्फ 1 चम्मच ही हमें इसमें दूध ऐड करना है ताकि हमारा जो बेसन है वो रवेदार हो जाए बहुत अच्छा। अब आप देख रहे होंगे समझ में आने लगा है कि ये जो हमारा चक्की के लायक पेस्ट तैयार होने आया है। इसे चलाना पड़ता है लगातार, नहीं तो चिपकने का डर रहता है। ये देखें इस तरह से हमारे चक्की का मिक्सचर हो जाना चाहिए। अब कलर भी आप देख रहे होंगे, कलर भी सिकते सिकते डार्क हो गया है। अब हम गैस बंद कर सकते हैं और मैंने इस तरह से एक एल्यूमिनियम की ट्रे ली है जिसमें मैंने ग्रीसिंग किया है। ग्रीसिंग की हुई ट्रे में हमें इसे सेट करना है।
ये देखिए हमारी चक्की का जो मिक्सर है बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें घी का यूज़ नहीं किया है ताकि सब लोग खा सकें, बहुत ज़्यादा घी भी अच्छा नहीं रहता हमारी हेल्थ के लिए। अब मैं इस चक्की के मिक्सर को इसमें डालूंगी और खूब अच्छी तरह से हमें इसे दबाना है। आप चाहे यदि घी ज़्यादा पसंद है घर में तो आप एक चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं, परंतु मैं बहुत कम घी का बना रही हूँ। इस तरह से इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए इसमें डालें और इसे एक प्लेट ले लें। प्लेट में हल्का सा मैंने घी लगा लिया है और इस तरह से स्मूथ करें खूब अच्छी तरह से दबाते हुए। स्पैचुला से भी आप दबा सकते हैं, ये देखिए मैं आपको, और जो इसके किनार है पूरा अच्छे तरह से इसे कवर करें। और आपको ऐसा अगर जैसे मोटी बनाना है चक्की तो आप इसे इस तरफ ना आने दें, इस तरह स्पून की इससे आप इसे जितनी मोटी आपको बनाना, आप चाहें तो इसे पतली भी बना सकते हैं। पतली बनाना है तो आप ट्रे में पूरा फैलने दीजिए, और नहीं तो आप, ये मैंने आपको बहुत कम घी से बताया है दोस्तों, इस तरह से आप प्लेन कोई भी प्लेट लें और थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लें, किनारे तरफ से भी करें जितनी चौड़ी आपको करना है। ये देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से इसे स्मूथ कर दिया है ये, और थोड़े से अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। और ड्राई फ्रूट्स ये थोड़ी मैंने बादाम की कतरन डाल रही हूँ इसमें, और बादाम की कतरन डालने के बाद भी एक बार हमें इसे प्लेट से वो करना है, दबाना है। थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डालें और उसके बाद अब हमें इसी प्लेट से वापस ड्राई फ्रूट्स को हल्के हाथों से दबा दें। ये देखिए इस तरह से हम इसमें दबाएं कि हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो गरम गरम में ही अंदर चले जाएं। अभी हमारी चक्की का मटेरियल थोड़ा गर्म है, बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर भी गर्म है, अभी इसे एक से डेढ़ घंटा लगेगा सेट होने में, परंतु हम नाइफ से इस तरह से निशान लगा लें कि हमें कितनी चौड़ी चौड़ी काटना है। पहले निशान लगा लें ताकि हम बिल्कुल अच्छे से काट सकें इसे, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसे काट लेंगे। इस तरह से आप अपने पसंद के शेप के अनुसार काटें। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हमारी चक्की कट रही है। ये देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर स्क्वायर पीस इसके काट लिए हैं, और ये हमारी चक्की बहुत कम घी में हमने इसे बनाया है, और ये हमारी चक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए डेढ़ घंटे हो चुके हैं, हमारी बेसन की चक्की जम चुकी है। मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। हमने बहुत कम घी का यूज़ किया है, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हमारी चक्की बनकर तैयार हुई है। अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ, और इस चक्की को आप 15 से 20 दिन तक के बिल्कुल रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक के हमारी चक्की खराब नहीं होगी। ये देखिए सभी पीस मैं आपको काट के अलग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी ये बढ़िया बेसन की चक्की बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत कम घी का हमने यूज़ किया है। दोस्तों यदि आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा घी आप और भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।